गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? सो सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने। तो आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। ये सारा सामान मम्मी ने तैयार कर दिया है, बस मुझे अब इसको मिला के अच्छे से पराठे बनानी है और उसके बाद सबको नाश्ता कराएंगे। कायरा भी उठ गई है, बाहर गई है, उसके दादू सामान लगा रहे हैं, फ्रूट का काम है हमारा तो फूल लगा रहे हैं। सबसे पहले दूध बॉईल करने रख दिया है। सुबह यहाँ पे दूध वाले भैया आ जाते हैं देर दूध, तो दूध रख दिया है, सामान सब तैयार है। पापा अभी बाहर से ठंड से आए हैं तो हम उनको चाय डाल के दे देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो अब मैं यहाँ पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सारे मसाले इसमें डाल लिए हैं और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, हाथ से मिक्स करूँगी ताकि नमक मिर्च सब कुछ आपस में एकदम मिल जाए अच्छे से। और जब तक मैं इसे मिक्स कर रही थी, कायरा भी बहुत तंग कर रही थी दादी को कभी उसको बाहर लेके जाओ, कभी अंदर लेके जाओ। एक बार वो उठ गई ना, फिर उसको कहेंगे मैं गोद में ही रहूँ। देखो किस तरह से उसको दादी इंगेज करने की कोशिश कर रही है। और दूध गर्म हो गया तो उसको मैंने छोटे वाले गैस पर ट्रांसफ़र कर लिया। वैसे तो मैं रात को भी सारा प्लेटफॉर्म और गैस साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन जब सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो उससे पहले भी एक बार मैं पूरा प्लेटफॉर्म और गैस साफ़ कर लेती हूँ ताकि साफ़ सफाई में खाना बने तो अच्छा बनता है। तो अब मैं घी निकाल लूँ। सर्दियों में घी की बहुत दिक्कत होती है, जम जाता है, निकलता ही नहीं है। उसके बाद उसको थोड़ा मेल्ट करो फिर जाके वो यूज़ करने में आता है, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत लगता है। तो दूध को मैं अंदर रखाऊंगी। ज़्यादा सामान अगर किचन में होना तो काफ़ी मैसी हो जाता है काम करते करते सब कुछ, तो इसीलिए। तो यहाँ मैंने चाय रख दी है ताकि साथ में अगर कोई चाय मांगे तो उसी टाइम गर्म करके मैं उनको दे सकूँ। तो मैं घी निकाल लूँगी। घी निकालने में बहुत होता है कि निकालो उसको फिर मेल्ट करो, तो 2-3 मिनट तो इस प्रोसेस में जाते ही जाते हैं। और ये देखो पीछे क्या हो रहा है। कायरा अभी भी देखो दादी की गोद में ही है, उसको बस सुबह गोद ही चाहिए। उसको ये नहीं चाहिए कि मैं सो जाऊँ, मैं बेड पे बैठ के खेलूँ, मतलब ही नहीं कि वो ये कोई काम कर सके, तो इसलिए। तो अब फाइनली सारा कुछ काम करने के बाद पराठे बनाने की तैयारी आ गई है, तो अब मैं पराठियाँ बनाऊँगी। मैंने जब फर्स्ट टाइम पराठियाँ बनाना शुरू किया था शादी से पहले, तो ऑब्वियसली मैंने कोई काम किया नहीं। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने काम करना शुरू किया, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी पराठी को एक ही पिगड़े में बनाना, निकल जाता था सारा सामान बीच में से, तो मैं 2 पेड़े लेकर बनाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, यूज़ टू होती गई मैं, तो अब मैं एक ही पेड़े में इस तरह सारा सामान भर लेती हूँ मसाला, उसके बाद इसको आराम से इसको बंद करूँगी और काफ़ी इजी रहता है। 2 पर 2 में रोटी बनाना 2 पेड़े करो, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस अब मुझे लगता है, लेकिन अभी ये अब सीख गई हूँ तो ये मुझे बहुत ही हैंडी और इजी लगता है। तो इस तरह से मैं ये जो एक्स्ट्रा होता है, पहले मैं ये एक्स्ट्रा भी नहीं निकालती थी, मुझे पता ही नहीं था, बट धीरे धीरे हो गया सब कुछ ठीक। तो इस तरह एक्स्ट्रा निकाल के इसको मैं पहले हाथ से थोड़ा ऐसे फैला लूँगी ताकि जो भी बीच में सामान है वो सारा इक्वल में बट जाए। देन मैं धीरे धीरे इसको बेलना शुरू करूँगी और साथ साथ जो तवे पे रोटी है वो भी उसको भी दिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि एक तरफ ध्यान है तो दूसरा जलता रहे, कोई फर्क नहीं, दोनों तरफ ध्यान होना चाहिए। तो वो रोटी जो है मैं मम्मी को अंदर दे आई हूँ। अब इसको मैं धीरे धीरे अल्टी पल्टी करके बेलूँगी और साथ साथ में इसको रफ आटा भी लगाएंगे ताकि अगर ये थोड़ा फटे या कोई क्रैक हो तो ये सही से आराम से बेल जाए। तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं करनी रोटी, मीडियम साइज़ की होनी चाहिए इस तरह। और देखो मैंने गोल बनाई, पहले गोल भी नहीं बनती थी, नक्शा बनता था, तो अब मैं सीख गई हूँ। और इस तरह मैंने इसको तवे पे गरम करके तवे पे रख दी है। अब इसको हमें बार बार थोड़ा, जब एक साइड से अच्छे से पक जाए ना 1 मिनट बाद, इसको हमें पलटना होता है। ऐसे नहीं कि रख दो या बार बार उठा कर देखो, बिल्कुल भी नहीं। इसको बस मैंने रख दिया है। अब जब तक ये पक रही है मैं दूसरा पेड़ा तैयार कर लूँगी फिलिंग के साथ, और इसको भी साथ साथ ध्यान देना है। तो 1 मिनट हो गया, इसको अब मैं पलट दूंगी, तो आप देखेंगे ये हल्की हल्की पक गई है। तो हमें ऐसा ही चाहिए होता है हर पराठे में। और अब इसको मैं टाइम टाइम से इसे चेंज करती रहूँगी। अल्टी पल्टी करने से क्या होता है, एक जगह से अगर पक रही है तो हम अगर उसको पलटा देंगे तो वो दूसरी जगह से भी इवनली पकेगी। तो इस तरह मैंने घी लगा दिया है और अब मैं दूसरी साइड भी घी लगा दूँगी इसको, और हमें बस थोड़ा सा इसको रखना है 1-2 मिनट भी नहीं और ये पक जाएगी और हमारी पराठी बिल्कुल तैयार हो जाएगी।
सो गाइस परांठी बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसको अंदर मम्मी को दे आऊंगी और बाकी परांठियां बनाऊंगी। सो मैं सबसे पहले सबको नाश्ता करवा देती हूं, उसके बाद में मिलते हैं। 1 आवर लेटर। काइरू, हमने सबको नाश्ता करवा दिया, अब मम्मा और काइरा नाश्ता करेंगे। काइरा खाएगी गोभी वाली पाथी, घी लगा के थोड़े थोड़े चो। बहुत भूख लगी भाई गॉड। आज बहुत ठंड हो रही है, धूप भी नहीं निकली, बिल्कुल भी नहीं निकली धूप। मैंने सॉक्स नहीं पहनी, मेरे पैर बर्फ हो गए, बिल्कुल बर्फ। नो बेबी, वो खाली पहले दिखाओ इधर माउथ, मच्छी नहीं खानी। आ सो सबको काम पे भेजने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद, अब बारी आ गई है किचन क्लीनिंग की, और ये मेरा बेस्ट पार्ट लगता है मुझे। तो यहाँ मैं किचन का काम कर रही हूँ और काइरा बाहर से मम्मा मम्मा हाय। तो मैं गैस के जो स्टैंड होते हैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, इससे क्या होता है वो रोज़ ज़्यादा गंदे नहीं होते और रोज़ की सफाई में वो साफ़ रहते हैं। सबसे पहले मैं ड्राई कपड़े से सारा प्लेटफॉर्म और गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं जूने से सारे गैस को और प्लेटफॉर्म को और जो टाइल्स लगी हैं उनको क्लीन करूँगी, ताकि जो घी वगैरह हो जमा होता है वो उतर जाए और डस्ट पार्टिकल्स भी निकल जाएं अच्छे से। और प्लेटफॉर्म पे मैं जूना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं रोटी बनाती हूँ तो कई बार आटा लगा रह जाता है। तो आज मैंने गोभी के पराठे बनाए थे तो उसमें ज़्यादा आटा लगा रह जाता है, तो इसलिए घी वगैरह भी अगर कोई गिर जाता है तो वो जम जाता है, सर्दियों का टाइम है तो इसलिए। अब मैं सूखे कपड़े से ही सबको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ताकि गीला कपड़ा मैं इसलिए नहीं करती कि फिर किचकिच हो जाती है पानी की ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं यहाँ सूखा कपड़ा मार लूँगी अच्छे से, उसके बाद जो है मैं कपड़े को अच्छी तरह गीला करूँगी और इसको धोऊँगी कि जो सरफ इसमें साबुन लगा हुआ है वो निकल जाए। तो इस तरह इसको धो के उसके बाद मैं गीला कपड़ा मारूंगी। दो बार मैं ये गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ गैस और प्लेटफॉर्म, और इससे अच्छे से सफाई हो जाती है। गैस एंड प्लेटफॉर्म साफ़ करने के बाद बारी आ गई है बर्तनों की। सर्दियों में क्या होता है, घी वगैरह जम जाता है प्लेट्स में, बर्तनों में, तो उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको साफ़ करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ पतंजलि का डिश बार। यस ऑफकोर्स, ये बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में, इसे इस साबुन के एक स्वाइप से ही काफ़ी सारे बर्तन इसे धुल जाते हैं और बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं रहती। तो मुझे तो ये पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है और मैं शुरू से यही मंगवाती रही हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ये सबसे अच्छे बर्तन धोता है। तो इसी के साथ मैंने फटाफट से बर्तन धो लिए हैं।
A few moments later. सो गाइज, देखा आपने कायरा को रेडी करना कितना बड़ा टास्क है मेरे लिए। बहुत इंगेज करो, इतना रोती है बीच में, हर चीज़ उसको दे दो, नहीं प्यार नहीं होना, ऑयल नहीं लगाना, कपड़े नहीं पहनने, इतने नखरी हैं इसके बहुत ही ज़्यादा। बट फाइनली इतना सर खपाई करने के बाद इसको मैंने रेडी कर दिया है। ये यहाँ पे सॉक्स भी नहीं पहन रही थी, पैर निकाल देती है, कभी कुछ करती है। और जो इसको मैंने जली वली पकड़ाई है, ये था इसको कि मैं इसको खोल के दूँ तो ये खाए, और मैं इसको देना नहीं चाहती थी क्योंकि इसको अगर मैं खोल कर दे दूँ ना इस टाइम पे, ये पूरे कपड़े गंदे, हाथ गंदे, सब कुछ गंदे कर लेगी। कोई कहेगा ही नहीं कि बच्चा तैयार किया है। सो यार, कायर को भी मैंने रेडी कर दिया, अब घर का बाकी काम करने की बारी है तो मैं वो करूँगी। और इस बीच कायरा के चाचू आ गए थे तो वो इसको बाहर ले गए थे, इसलिए मैंने घर का बाकी काम भी आराम से कर लिया। सो गाइज, नीचे का सारा काम करके अब मैं ऊपर आई हूँ। जो कायरा के कपड़े थे वो धोए हैं, लाइट चली गई है तो मशीन से तो अब निकलेंगे नहीं, हाथ से निचोड़ के डालने पड़ेंगे। और आज धूप, सुबह बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बिल्कुल भी, इतनी ठंड थी, लिटरली बहुत ज़्यादा ही ठंड थी, लेकिन अभी धूप आ गई है तो अच्छा लग रहा है थोड़ा। अब बस मैं कपड़े डाल लूँ फटाफट से, और आज मुझे अपने बालों को ऑयलिंग भी करनी है। संडे को धोए थे, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी। जैसे कहते हैं ना कि अपने लिए 10 मिनट निकाल ले बंदा, मतलब ही नहीं। तो आज मैं अपने बालों की ऑयलिंग करूँगी, तो फटाफट कपड़े डालूँ पहले मैं। सो गाइस, कपड़े वगैरह मैंने सब डाल दिए यहाँ पे, और अब मैं नीचे जा रही हूँ। कायरा को नींद आई हुई है, उसने सोना है तो वो ज़िद कर रही है, तो उसे फीड करवा के मैं सुला दूँगी। मैं फटाफट से नीचे चली जाती हूँ। सो अभी मैं लंच करके कायरा को ऊपर ले आई हूँ, धूप में, धूप निकल आई थी तो फिर मैं कायरा को धूप में ले आई। और मैंने ऑयलिंग भी करनी थी बालों को, तो मैंने सोचा मैं ऊपर ब्लॉग भी शूट कर लूँगी और कायरा भी धूप सेक लेगी, तो इसलिए अब हम ऊपर आ गए हैं। बट कायरा बिल्कुल भी शूट नहीं करने दे रही, कभी वो कैमरा के आगे आ जाती है, कभी वो मेरी तेल की बोतल लेके चली जाती है, कभी कुछ करती है, और इस तरह से थोड़ा तंग कर रही है। थोड़ी दिक्कत हुई मुझे यहाँ पे ब्लॉग। तो संडे को मैंने अपने बाल धोए थे, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता तो जुड़ गए मेरे बाल। और मेरे बाल कितने रफ हो रहे हैं, गंदे। मैं यूज़ करती हूँ बजाज आमलेट ड्रॉप, ये मैं शुरू से यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपने बालों पे लगाऊंगी। पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे, फिर मैंने जब कायरा हो गई थी, तो कायरा सर्दियों में ही हुई थी,
तो बाल संभालना बहुत मुश्किल था, तो मैंने अपने बाल कटवा दिए थे। बाल नहीं, मेरे बाल कैसे टूट रहे हैं। तो मैंने फैदर हेयर कट करवाया था, अब पोनीटेल कर लो, क्लिप लगा लो, बहुत अच्छे रहते थे बाल। और मेरे बाल बहुत टूटे, फाइनली अड़के निकल गई है। आ जाओ इधर आ जाओ, तो मैं बाल बांध लेती हूँ अपने। सो बाल संभाल लेना सही है, बहुत बालों का काम भी बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता अगर करने बैठो तो। कायरा क्या कर, कायरू इधर आओ, कपड़े देखो इसके, इधर आओ, यहाँ बैठो, चलो आप भी काम करवाओ, इधर आओ, आओ इधर, आओ इधर, हो इधर आओ, आओ हो। सो बालों का काम ख़त्म हो गया, अब मैं जा रही हूँ नीचे। गुड इवनिंग गाइस, तो शाम हो गई है, शाम के साथ साथ अब हमारी चाय का टाइम भी हो गया है। और मम्मी लाई है आज गाजरें, तो हम बनाएंगे गाजर का हलवा। सो या आज नहीं बनाएंगे, आज इसको धो के ग्रेट करके रख देंगे, कल बनाएंगे इसको। और साथ ही बताना चाहूँगी, जिस सूट का 4 दिन से बोल रही थी सूट फिट नहीं हुआ, सूट नहीं आया, ये ब्लॉग, आज फाइनली मम्मी दोपहर में जाकर सूट लेकर आई वो। और सूट की स्टिचिंग इतनी गंदी उन्होंने करी, इतनी गंदी, मतलब मेरा दिल बैठ गया। सो गाइज, ये वो सूट है जो मैंने स्टिच करने दिया था वेलवेट का, वाइन शेड में। तो आप देखिए, बिल्कुल भी सफाई से उसने स्टिचिंग नहीं करी। ये देखिए, जब इसको मैंने ट्राई किया ना, तो यहाँ से सारा ही कपड़ा इकट्ठा, और एक होता कटिंग करके करना, उसने ना बस सिलाई लगा दी। 4 दिन लगाए हैं और इतना गंदा उसने काम किया है, मुझे उनका नाम नहीं पता, वरना मैं यहाँ पे उनका ज़रूर नाम लेती। सच्ची इतना मुझे गुस्सा आया ना देखकर, ये बिल्कुल भी इन्होंने, ये होती है ना तरीजे सही से करना, ये भी नहीं उन्होंने के, बस कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा दी। और इतना अच्छा मेरा, इतना एक्सपेंसिव सूट था ये, जिसकी उन्होंने बैंड बजा दी। सो गाइस, चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की। तो आज मैं बना रही हूँ मूली की भुर्जी। तो मूली अभी मम्मी ने काट के दे दी है मुझे, तो इसको मैंने धोना है अभी, बट तब तक के लिए मैं प्याज वगैरह काट रही हूँ, उसके बाद मूली धो के रखूँगी। A few moments later. So guys, हमारी मूली की भुर्जी बन के रेडी हो गई है। अब देख सकते हैं कितना मस्त कलर आया है इसका, और पक गई है। बस इसको मम्मी को चेक करवाना ना, नमक मिर्च वगैरह, उसके बाद ये पास हो जाएगी। देखो कायरा को चीजी मिली, क्रीम वाले बिस्किट किसको मिले? दादी को देख आओ, दादी को देख आओ, सारी बातें समझती है मेरी बेटी। बस उन्हें पैकेट में मुझे करो। गाइस, मैंने सोचा था कि मम्मी कल हलवा बनाएंगी, आज ग्रेट करके रख लेंगी, बट नहीं, मम्मी ने आज ही हलवा बना लिया है। मैं तो कायरा को अंदर लेकर बैठी हुई थी, तब मूली बन रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला था मूली चेक कर लो, मम्मी ने पता नहीं किस टाइम हलवा बना दिया। और अब बस मैं बादाम वगैरह ग्रेट करूँगी, और मम्मी अभी गई है कायरा को बाहर लेकर काजू वगैरह लाने हैं। वैसे तो सामान था, बट अभी लास्ट टाइम ख़त्म हो गया था हलवा बनाया था हमने, तो बस मैं फटाफट से सामान तैयार कर लूँ आने से पहले। तो आज मम्मी बना रही है स्पेशल गाजर का हलवा। Thank you.
कहाँ है दादी, कहाँ है दादी, दादी कहाँ है? सो हलवा जो है पूरी तरीके से बन गया है। अब इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। तो ड्राई फ्रूट्स है सोंगी, लाची, और ये नारियल है ग्रेट किया हुआ, बादाम है ग्रेट किए हुए, और ये मगज। तो ये सब मैं डाल दूंगी इसके अंदर। तुम कैसे बाहर रह गए, चलो अंदर। सबको मिला देंगे अच्छे से। हलवा जो है बनके रेडी है। One hour later. तो हमने जस्ट अभी डिनर किया है। पहले मैंने सबको खाना खिलाया, खुद खाया है। कायरा काफी तंग कर रही थी, तो वो तंग करती है ना, तो मेरे तो वैसे ही उसको मारने का मन करता है, पर नहीं। तो मैं सबके लिए दूध बना रही हूँ एक तरफ, और एक तरफ कचरेला गर्म कर रही हूँ। और आज का व्लॉग मैं इसी के साथ ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई व्लॉग्स। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच अगेन।